आगे पूरा साल हमें पढ़ाई करनी है और अभी इन वेकेशन पे भी हम अपना कोर्स थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए। पर भैया हमारे स्कूल वाले तो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे आप सारी चीजें कर लो, आप पढ़ाई भी कर लो, आप अवार्डेड डिग्री प्रोजेक्ट भी कर लो, सब कर लो, क्योंकि वो आपको ऑल इन वन बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा आ गया इतना सारा प्रोजेक्ट वगैरह, हॉलीडे होमवर्क आ गया है मेरा, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि स्टार्टिंग कहाँ से करे, क्या करे क्या नहीं करे, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इतना सा टाइम इतना कम बचा है। और मुझे लगता है ना ध्वनि का भी हॉलीडे होमवर्क आ गया, बहुत सुबह से बहुत ही परेशान चल रही है मेरी तरह। तो आज हम ध्वनि से पूछ कर आते हैं कि ध्वनि का हॉलीडे होमवर्क आ गया है नहीं आ गया, और फिर मैं जाऊँगी मम्मी के पास कि मम्मी बता दो भैया मैं शुरू कहाँ से करना है। आ जाओ ध्वनि, ये क्या तू टीवी देख रही है? सारा इसका होमवर्क आया, ये देखो कितना सारा इसका होमवर्क आया, और ये मैंने हाईलाइट कर रखा है कि कौन सी गतिविधि या कौन सी एक्टिविटी इसको करनी है और कौन सी नहीं करनी है। ओके, तो ये इतनी सारी आपको करनी है, जितनी भी ये मार्क है ना, ये सारा आपको वर्क करना है ध्वनि। ये देखो इतना सारा वर्क, और मैं सोचे बैठी थी इस बार तो मैं याद दिलाने से रही, बट बच्चे समझदार है मेरे, उन्हें याद पहले ही आ गई। और ध्वनि के उड़ गए हैं तोते, क्या उड़ गए ध्वनि?
तोते वॉल्यूम होमवर्क की बुक लग देख के, क्योंकि इसे शौक लगा है बहुत बड़ा कि इतना सारा होमवर्क कैसे करेगी। बट अभी बहुत टाइम है, आप डेली डेली भी वर्क थोड़ा थोड़ा करोगे तो हो जाएगा। मैं एक दिन में पूरा कंप्लीट कर दूंगी बच्चा, बस वो भी तो नहीं करना, एक दिन में मैं पूरा हॉलीडे होती है एंजॉय करने के लिए। वो इसलिए देते हैं, इसमें एक्टिविटीज है कि आपको मजा आए, कि सारा दिन आप टीवी देख के बोलोगे। अच्छा एक बात बता, तो पूरे साल की पढ़ाई एक बार में पढ़ सकती है? हाँ पढ़ सकती है, फिर एग्जाम भी दिया है कि सारा पढ़ गई नहीं, वो तो रट्टा मार गया। इसमें लर्निंग का नहीं है, लेकिन राइटिंग वर्क बहुत सारा है और एक्टिविटी वर्क बहुत सारा है। ठीक है, बनवाना और बनवाने में बहुत फर्क है। ये अकेले नहीं बनाएगी, आपको उसमें पूरा उसका योगदान देना पड़ेगा। योगदान को कहेंगे हम इंग्लिश में हेल्प करनी पड़ेगी, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, योगदान का मतलब होता है सपोर्ट, अपना सपोर्ट डालना होगा। तो ये पकड़ो आपकी बुकलेट और आप अपनी शीट प्रिंट करो। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, जब शीट प्रिंट हो जाए तब मेरे पास सेकंड पॉइंट के लिए आ जाना। ओके, जाओ प्रिंट योर शीट्स और आप अपना वर्क चेक करो। तो फ्रेंड्स ये है मेरा हॉलीडे होमवर्क और मैं कर रही हूं इसको प्रिंट। ये आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है अभी, और उसके बाद हमारी इतनी सारी वर्कशीट्स भी आई हुई हैं, मैं दिखाती हूं आपको। इतनी सारी वर्कशीट आई हैं, हमें सारे प्रिंट करनी है करके। और यहाँ पे शुरू हो गया प्रिंट होना। फ्रेंड्स मैं कभी भी घर पे प्रिंट निकालती हूँ ना, तो मैं प्रिंट ऑन बोथ साइड करती हूँ ताकि जो पेपर है वो बचे थोड़ा सा। मैं सारी शीट्स अपनी एक साथ रखती हूँ सब्जेक्ट वाइज। ये साइंस की है, मेरी तो बस हिंदी और इंग्लिश। हिंदी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये आर्ट इंटीग्रेटेड है। तो सोशल साइंस निकल गई शीट्स, सारी शीट्स निकल गई हैं। दिखाओ इनको, अलग अलग रखो अपनी। मेरी बस हिंदी और इंग्लिश की है। अच्छा बाकी सारा एक्टिविटी वर्क है। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ये शीट्स अलग अलग रखो और अपना एक टाइम टेबल सेट करो कि आप किस टाइम पे हॉलीडे होमवर्क करोगे। मतलब उस टाइम पे अलार्म लग जाना चाहिए घड़ियों में कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना वर्क करने बैठ गए हो। तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ कि सुबह उठ के आप क्या करोगे। उठ के ब्रश करोगे, देन ब्रेकफास्ट करोगे, देन अपना योगा वोगा स्विमिंग जो भी आपको करना है, डांस क्लास जो करना है वो करोगे। उसके बाद नहा धो के अपना एक घंटा हॉलीडे होमवर्क तो कर ही सकते हो ना उस टाइमिंग पे। फिर आप टीवी देखो, एंजॉयमेंट करो, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खाओ, जो खाना है खाना खाओ। उसके बाद रेस्ट लो, रेस्ट के बाद फिर एक घंटा अपना हॉलीडे होमवर्क करने बैठ जाओ। और फ्रेंड्स हॉलीडे होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कर दे रहे हो, तो समझ के करना। ओहो ये बात बहुत बढ़िया कही हमारी ध्वनि ने, समझ के करना बच्चों, याद रखना ध्वनि की बात, समझ के करना। तो रात को आप लोग अपना फिर सेल्फ स्टडीज करोगे, लर्निंग वर्क करोगे। ओके, तो चलो पहले मेकअप टाइम टेबल नीचे चलो, अपने एक पेपर निकालो बड़ा से, तो तुम्हें टाइम टेबल ना तुम्हारी आंखों के आगे नजर आ रहा है। हां A3 शीट पे जरा टाइम टेबल बनाओ, मैं आ रही हूं चेक कर लूं नीचे आके। चलो चलो जाओ जाओ टाइम टेबल बनाओ, वो भागो। तो फ्रेंड्स अभी हम बना रहे हैं अपना टाइम टेबल। फ्रेंड्स का भंडार है, यस, क्योंकि अब हम बना ही रहे हैं तो सुंदर बनेंगे। फ्रेंड्स टाइम टेबल बनाने में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। बन गया टाइम टेबल? बन रहा है मम्मी। बन गया? क्या खा रहे हो? मैं छुट्टियों के मजे ले रही हूँ। छुट्टियों के मजे ले रही हूँ मम्मी? क्या छुट्टियों के मजे ले रही हूँ? छुट्टियाँ हमारी हुई हैं। हैं? मुझे लगा मेरी हुई हैं। ये लो खा लो, चलो मैं तुम्हारे लिए लाई थी, मजे तुमसे ले रही थी बैठ के। क्या बना रहे हो तुम? टाइम टेबल। क्या बना रहे हो? क्या हम टाइम टेबल बना रहे हैं? मैं तुम्हारी मेमोरी चेक कर रही हूँ ना, तुम्हारी शार्प है या नहीं है। बेटा अच्छे से टाइम टेबल बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। पेन का देखो
मैं हर चीज में ना मतलब इतना ज्यादा खुरापाती दिमाग है चुहिया का मेरी है वो चुहिया हाँ इसके बैग में भी रहते हैं कितनी बार मैंने बैग चेक किया हमेशा निकले इसके वाले बैग फेवरेट है अच्छा फेवरेट है रोज के पास भी थे तुम यहाँ पे नमकीन खाओगे और दीदी टाइम टेबल बनाएंगी वेरी बैड 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 तुम नमकीन खाओ और दीदी टाइम टेबल बनाए इट्स वेरी गुड इट्स वेरी गुड इट्स वेरी गुड अच्छा चलो जल्दी से टाइम टेबल बना लो खाने में क्या खाओगे खाने में हम खाना खाने में खाना खाओगे हाँ। खाने में राजमा चावल खाओगे हाँ। तो चलो मम्मी आज राजमा चावल बना के खिलाएगी ने तो तुम जल्दी से अपना टाइम टेबल कंप्लीट करो तो मैं उसके बाद में नेक्स्ट क्लास बताऊंगी ओके अपने इतनी सारी लंच की बनाएंगे टाइम लिखने के लिए बाय बाय देखना चाह रही थी दिमाग कहाँ है दिमाग टाइम टेबल में ही है सब पे आप टाइम लिखोगी यस अगर आ गया तो फ्रेंड्स देखो मैं तो यहाँ मेहनत करके बना रही हूँ टाइम टेबल और ये मैडम मैं वर्कशीट पढ़ रही थी तो चलो फ्रेंड्स हमारा बन गया है समर शेड्यूल समर टाइम टेबल चलते हैं मम्मी के पास लेके बस की टाइम पूरी छुट्टी 8:30 टू 9 गेट ड्रेस मतलब नहा धो के तुम रेडी हो जाओगे आधे घंटे के अंदर 9 से 9:30 क्लीन योर रूम प्लस हमने किया यहाँ पे जो फन एक्टिविटी है वो ही आपकी स्कूल एक्टिविटीज हो गई ओके अब उसमें आप जो आपकी शीट्स हैं उसमें मार्क कर लो अगर मान लो 10 एक्टिविटीज है सारी एक्टिविटीज है आप पहले काउंट करो कितनी एक्टिविटीज है वन पर डे कर लो हाँ वन एक्टिविटी पर डे कर लो आपको टफ ही नहीं पड़ेगा ठीक है तो ये आ गया आपकी 2-3 घंटे में एक्टिविटी हो भी जाएगी और फन टाइम भी हो जाएगा 5 to 6 PM सेल्फ स्टडी यानी आपको करनी है इसमें लर्निंग ओके लिखो क्या करना है लर्निंग सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है 6 to 6:30 स्नैक्स टाइम तो स्नैक्स टाइम में तुम क्या खाओगे बताओ पिज्जा पास्ता लिख दो मम्मी को ये भी नॉलेज में रहेगा ना क्या क्या खाओगे बर्गर और अभी बस इतना काफी है चिप्स इसके अलावा अलग से टाइम टेबल बना देंगे चलो ठीक है फिर आपके हो गए आउटडोर गेम ठीक है इंडोर की जगह हमने इसको कर दिया आउटडोर 7 to 8 मस्ती टाइम यानी इसमें तुम्हें मिलेगी आइसक्रीम होममेड कर सकते हैं इस टाइमिंग में ओके मेकिंग होममेड आइटम्स है ना फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं हम लोग ना डेली मिल्क
और मिल्क को शेप में डाल सकते हैं, वो जो पॉपसिकल वाली आते थे उसको फ्रिज में। वो सारी एक्टिविटी का टाइम तुम्हारा ये होगा 7 to 8, ओके 8 to 8:30 तुम्हारा डिनर टाइम, 9 o'clock तक तुम चेंज क्लोथ्स एंड ब्रश टीथ एंड गो टू स्लीप एंड आल्सो वॉच मूवीज। ओके हाँ कुछ भी कर सकते हो 1 घंटा। ओके 10 o'clock तक तुम्हें सो जाना है क्योंकि 8 o'clock से रुकना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था जिली और ध्वनि का टाइम टेबल, तो अभी पूरी छुट्टी फॉलो करने वाले हैं और बहुत मजे करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है छुट्टियों में, होमवर्क कैसे करना है, टाइम अपना लगाई नहीं, सबसे पहले अपना वर्क निकालो, सारी शीट्स प्रिंट करो, उनको डिवाइड करो अलग अलग फोल्डर्स में, सब्जेक्ट वाइज रखो, ठीक है। फिर मेक अ टाइम टेबल बनाओ, उसके बाद सारा रिटर्न वर्क कंप्लीट करो। जो आपका स्टार्टिंग होगा वो आपका होगा रिटर्न वर्क, जो आपने लिखा है ना हॉलीडे होमवर्क। ओके ओके ठीक है। तो सबसे पहले टास्क हमने बता दिया, सेकेंड टास्क हमने बता दिया, थर्ड टास्क है आपको रिटर्न वर्क कम्प्लीट करना, देन आप एक्टिविटीज करोगे डेली टू डेली, उसको अलग रखते जाओगे अपने सब्जेक्ट वाइज, देन मेकिंग कवर पेजेस। ओके आपको हर सब्जेक्ट के सुंदर सुंदर कवर पेजेस बनाने हैं, सुंदर सुंदर फाइल बनाने हैं, क्योंकि प्रिंट करवाया ना उसमें लिखा हुआ है मेक अ डेकोरेटिव फोल्डर। हाँ ओके वही मेकिंग कवर पेज, मेकिंग फोल्डर्स, कुछ भी बना सकते हो ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले, क्योंकि इन चीजों के मार्क्स भी होते हैं। ओके हॉलीडे होमवर्क्स के मार्क्स भी होते हैं और ये आपके ना फन एक्टिविटीज होती है, आप पूरा एंजॉय कर सकते हो इसमें, मतलब बाहर की एक्टिविटीज करने से बेटर अपनी समर हॉलीडेज की एक्टिविटीज करो, देन इसको अपने अपने फोल्डर में सेट करना, देन फिर आप एंजॉय करो। ओके आप लोग रेडी हो हॉलीडे होमवर्क करने के लिए? यस। कोई घबराहट नहीं, कोई टेंशन नो, बोलो नो बॉस, नो बॉस, कोई डाउट नो बॉस, हाउ द जोश, हाय सर, वेरी लो सर, हाउ द जोश, हाय सर, हाउ द जोश, हाय सर। आप लोगों का जोश कैसा है कमेंट करके जरूर बताओ, और किस किस ने अपनी हॉलीडे होमवर्क की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और किस किस ने ऐसे टाइम टेबल बनाया है वो भी कमेंट करके बताओ, और हमें टाइम टेबल भी बताओ क्या क्या बनाया ताकि जिनी और ध्वनि को उससे बेनिफिट हो सके। तो जल्दी से अपना हॉलीडे होमवर्क फिनिश करो, अपनी मम्मियों के सिर में दर्द बिल्कुल मत करना। और